वेलकम। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो हम कुछ क्वेश्चन जो है एरिथमेटिक क्वेश्चन है ना, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एरिथमेटिक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें जो 4.3 है एक्सरसाइज, इसका भी जितना सारे नंबर है इसको भी आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन प्रोसेस में कैसे करते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड कैसे करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उसको जो प्रीवियस वीडियो होगा इसको आप लोग देख चुके होंगे। जो नया नया वीडियो है इसमें जो प्रीवियस, इसको जानने के लिए प्रीवियस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। जो लोग फॉलो नहीं किए हैं तो ये नए वीडियो को आप लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो को देखने से पहले फटाफट डीवी प्रोडक्शन बिजनेस को जो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है उसको जरूर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जो बेल बटन है इसको जरूर दबाने के मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें जो नया नोटिफिकेशन आता है इसको आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो हम लेट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे एग्जाम्पल 15 का इसे शुरू करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 को जाएंगे। एग्जाम्पल 15 रखा है, ये मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या होता है, एक्स किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम हो गया इसमें, तो इसमें क्या होता है, मोटर बाइक हुज स्पीड बोट स्पीड इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, बोट स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। जब क्या होता है इसमें देखो, अपस्ट्रीम जाता है और फिर डाउन स्ट्रीम आता है। अपस्ट्रीम जो होता है क्या होता है, अपस्ट्रीम जाने से क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया 18 माइनस x, अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये अपस्ट्रीम स्पीड हो गया, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया। अब क्या निकला हमको, क्या दे रखा है, स्पीड इज 18 किलोमीटर आवर, स्टील वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। इसको कितना जाता है, 24 किलोमीटर्स। तो इसका टाइम कितना होगा, अपस्ट्रीम टाइम कितना होगा, अपस्ट्रीम में टाइम होगा टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अपस्ट्रीम टाइम इक्वल्स टू 24 किलोमीटर जाता है बाय 18 माइनस x। डाउन स्ट्रीम टाइम क्या होगा, इक्वल्स टू 24 बाय 18 प्लस x। इसमें क्या दे रखा है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, वो जल्दी आ जाएगा, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है ज़्यादा टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। दिस इंप्लाइज क्या होगा, 24 बाय 18 माइनस x माइनस 24 बाय 18 प्लस x दिस इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होगा। ये अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में क्या होगा ज़्यादा टाइम लगेगा, उस टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कम टाइम लगेगा। अब देखते हैं क्या होगा, क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x। तो ये 18 माइनस x क्या, 24 इंटू 18 प्लस x माइनस 24 इंटू 18 माइनस x दिस इक्वल्स टू 1। 24 एंड 18, 18 फोर जा 72, 7 18 टू जा 36, 36 और 7 43, 342
प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x बाय 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1। दिस सिंपल क्या होगा, 432 माइनस 432 ये एलिमिनेट हो गया, 24x प्लस 24x हो गया 48x बाय 18 का स्क्वायर, एडिट जा 64 6, 81 जा 82 जा 16, 16 और 6, 16 और 6 22, 2 हो गया 1 2 3, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें क्या होगा, 48x इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अभी x का निकालेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 48 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324 बाय 2 इंटू 1 दिस इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर टू थ्री जीरो फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 1 9, 4 3 जा 12, 1296 बाय 2 होगा। माइनस 48 प्लस माइनस ये बन जाएगा 2 3, होगा क्या होगा ये 6 4 0 1 9 1 9 0 1 हो गया, 3 2 5 1 6 2 1 3, 3 6 0 0 बाय 2 दिस इक्वल माइनस 48 प्लस माइनस 60 बाय 2, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 60 बाय 2 दिस इक्वल्स टू 12 बाय 2 इक्वल्स टू 6 हो गया, एक्स हो गया 6। हाँ, एक्स इक्वल्स टू माइनस 48 माइनस 60 बाय 2 दिस इक्वल्स टू माइनस 108 बाय 2 इक्वल्स टू माइनस दिस इक्वल्स टू माइनस 52, तो माइनस 52 होगा नहीं इसका स्पीड, तो 6 होगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम इसी रूप से हम निकाल सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट नंबर टू एक्सरसाइज 4.3, 4.3 का नंबर टू को आएंगे। नंबर टू का एक्सरसाइज 4.3 का नंबर टू, फाइंड द रूट्स ऑफ द फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, इसको करके आराम से आप लोग कर सकते हैं। एक टो मैं कर देता हूँ, थर्ड का कर देता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। थर्ड का दे रखा है 4x² प्लस 4√3x, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0, इसमें ए बी सी दे रखा है, तो क्या होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 4√3 प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 4 × 3 का रूट ओवर बाय 2 × 4 दिस इक्वल्स टू माइनस 4√3 प्लस माइनस ये तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 16 3 जा 48 माइनस ये 48 हो गया, 4 4 जा 16 16 3 जा 48 बाय 8 हो गया दिस इक्वल्स टू माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 हो गया बाय 8 इक्वल्स टू माइनस √3 बाय 2 हो गया, माइनस √3 बाय 2 ये आंसर निकल गया, माइनस √3 बाय 2, एक ही रूट निकलेगा, इसका डबल रूट निकलेगा नहीं। इसके बाद नंबर 3 का, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर 3 का
फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स टू थ्री, एक्स माइनस वन बाई एक्स दिस इक्वल्स टू थ्री, तो क्या होगा एक्स इसका एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू थ्री एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसका हो गया। तो इसको क्या करोगे x निकालेंगे माइनस बी माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन का रूट ओवर बाय टू इंटू वन दिस इक्वल्स टू थ्री प्लस माइनस ये क्या होगा नाइन प्लस फोर बाय टू होगा दिस इक्वल्स टू थ्री प्लस माइनस थर्टीन का रूट ओवर बाय टू, ये हो गया आंसर थ्री प्लस रूट थर्टीन बाई टू, थ्री माइनस रूट थर्टीन बाई टू, इसी रूप से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थ्री का सेकेंड, थ्री का जो सेकेंड है वन बाय एक्स प्लस फोर माइनस वन बाय एक्स प्लस फोर माइनस वन बाय एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू इलेवन बाय थर्टी, तो इसको क्या करेंगे इसको पहले ये करेंगे एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन, तो ये एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स प्लस फोर दिस इक्वल टू इलेवन बाय थर्टी, एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स प्लस फोर बाई एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी एट, फोर सेवन ट्वेंटी एट दिस इक्वल टू इलेवन बाय थर्टी, एक्स माइनस एक्स एलिमिनेट हो गया माइनस सेवन प्लस फोर ये हो गया माइनस थ्री बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट दिस इक्वल्स टू इलेवन बाय थर्टी, इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री एक्स माइनस इलेवन एट जा एटी एट, एट इलेवन टू जा ट्वेंटी टू एट थर्टी थ्री जीरो एट इक्वल्स टू थर्टी थ्री जा ये हो गया माइनस माइनस नाइन्टी, इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी थ्री एक्स माइनस थ्री हंड्रेड एक्स एट प्लस नाइन्टी इक्वल्स टू जीरो हो गया, इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी थ्री एक्स माइनस हो गया ये जीरो सॉरी ये एट हो जाएगा टेन माइनस नाइन वन टू हंड्रेड एटीन जीरो, तो ये हो गया इलेवन थर्टी थ्री टू वन एट, एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ एक्स इक्वल्स टू माइनस बी माइनस माइनस थर्टी थ्री प्लस माइनस माइनस थर्टी थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू इलेवन इंटू टू हंड्रेड एटीन माइनस टू हंड्रेड एटीन का रूट ओवर बाय टू इंटू इलेवन क्या होगा दिस इक्वल्स टू थर्टी थ्री प्लस माइनस ये होगा थ्री थ्री जा नाइन थ्री थ्री जा नाइन टू जा एटीन नाइन वन टेन वन जीरो एट नाइन ये हो गया प्लस हो जाएगा फोर्टी फोर फोर्टी फोर टू वन एट इंटू फोर्टी फोर फोर जा थर्टी टू थ्री फोर वन जा फोर थ्री सेवन फोर टू जा एट एट सेवन टू टू नाइन फाइव नाइन फाइव सेवन टू नाइन फाइव सेवन टू बाय ट्वेंटी टू थर्टी थ्री प्लस माइनस नाइन टू इलेवन वन एट सेवन फिफ्टीन वन सिक्सटीन वन फाइव वन सिक्स नाइन वन टेन वन जीरो सिक्स सिक्स वन बाय ट्वेंटी टू इसका हो जाएगा वन जीरो सिक्स सिक्स वन 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 जा वन जीरो सिक्स प्लस वन टू हो गया जीरो जा जीरो सिक्स सिक्स वन प्लस जीरो टू जीरो
इसका ऐसे नहीं निकलेगा, 1061 1089 9572 9211 1 1061, ये क्या जाएगा 3 36 7 5 जा 1 16 7 2 जा 14 52 7 3 जा 7 जाएगा 7 2 जा 14 12 7 7 53 7 2 जा 14 1 12 7 1 जा 7 5 है वो 7 जाएगा नहीं, तो उसमें और क्या जा सकता है, तो ये रहने दीजिए, अगर ये नहीं होगा तो इसमें यही यही आंसर होगा। तो एक्स इक्वल्स टू होगा 33 ± 10661 का रूट ओवर बाय 22। अगर ये कोई नहीं कुछ नहीं निकलेगा तो इसी हिसाब से उसको हम आंसर निकल सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर 4 को आएंगे, नंबर 4 द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहम्स एज इन इयर्स 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। लाइक मे बी प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स, लेट प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स, लेट रहम्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स। क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को अगर अच्छी समझ जाएंगे तो हम आंसर आराम से कर सकते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहम्स एज इन ईयर्स 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स लेटर। 3 इयर्स एगो उसका कितना था, 3 इयर्स एगो था एक्स माइनस 3, तो 1/(x-3) प्लस 1/(x+5) ये रेसिप्रोकल। 3 इयर्स एगो का जो एज है एक्स माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/(x-3). 5 ईयर के बाद जितना एज होगा 1/(x), इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/(x+5). इसका सम, इसके दोनों को फिर प्लस करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे, इसको फिर सम करेंगे, उसका सम हो गया 1/3 हो गया। दिस इक्वल्स टू 1/3 होगा। इसको देखें कैसे करते हैं, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये हो गया एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 1/3 हो गया, 2x प्लस 2 हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, 5 - 3 2 हो गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 3x - 15 इक्वल्स टू 1/3 हो गया। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, 2x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 15 इक्वल्स टू 1/3 हो गया। इसको प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 15 इक्वल्स टू 6x+6 हो गया। इसको सीधा ले आएंगे इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 15 - 6x - 6 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर 2x - 6x - 4x - 15 - 6 -21 = 0 हो गया। अभी निकालेंगे x = -b तो -4 प्लस -4 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 ए सी -4 इंटू 1 इंटू -21 का रूट ओवर बाय 2a 2 इंटू 1। ये ए बी सी का ठीक रूप से लगा देंगे, आंसर लगा देंगे तो हमारा नंबर ठीक रूप से हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू 4 + -16 + 84 84 / 2, दिस इक्वल्स टू 4 + -100 का रूट ओवर बाय 2, दिस इक्वल्स टू 4 + -10 / 2,
एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 10 बाय 2 इक्वल्स टू 14 बाय 2 इक्वल्स टू 7 ईयर्स। एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस 10 बाय 2 इक्वल्स टू -6 बाय 2 इक्वल्स टू -3, ये नहीं होगा। सो एक्स इक्वल्स टू 7 ईयर्स। तो रमिका पर प्रेजेंट एज 7 ईयर है। तो नंबर 5 को जाएंगे, नंबर 5 को देखेंगे। नंबर फाइव क्या देखा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड सी गेट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, the product of their marks would have been 210. Find the marks in two subjects. दोनों का क्या होगा, इन ए क्लास टेस्ट सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। दोनों मिला के 30 है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का दोनों मिला के 30 है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मान लीजिए मैथमेटिक्स का एक्स है, लेट मार्क इन मैथ इक्वल्स टू एक्स, मार्क इन इंग्लिश इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स होगा। दोनों मिला के अगर 30 है तो 30 माइनस एक्स है। आगे क्या दे रखा हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 मार्क मैथमेटिक्स में ज्यादा होता एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क कम होता तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तुम 2 मार्क कम हो गया मैथमेटिक्स में क्या हुआ है, एक्स माइनस टू इंटू इसमें 3 मार्क कम हो जाता, एक्स प्लस टू सॉरी 2 मार्क्स मोर देन हैड सी गेट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क लेस इन इंग्लिश मीन्स 30 माइनस x माइनस 3, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता, दिस इक्वल्स टू 210 हो जाता। अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क ज़्यादा होता और इंग्लिश में 3 मार्क कम होता, दोनों को क्या करते प्रोडक्ट निकालेंगे तो 210 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, x प्लस टू इंटू क्या होगा 13 माइनस 3 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। एक्स इंटू 27 27 x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 27 टू 57 54 माइनस 2x माइनस 210 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x प्लस 25x ये क्या होगा, माइनस क्या होगा 10 माइनस 4 6 6 हो गया, इधर फिर 0 हो गया, 10 माइनस 5 5 हो गया 156, दिस इज 0। दिस वन क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0। अभी x निकलेगा माइनस b माइनस माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 25 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 एसी माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156 का रूट ओवर बाय 2 इंटू 1 दिस इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 625 माइनस 624 बाय 2 दिस इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 25 प्लस माइनस 1 हो जाएगा 625 माइनस 624 1 बन गया बाय 2
एक्स इक्वल्स टू 25 प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स टू 26 बाय 2 इक्वल्स टू 13 हो गया। एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 1 बाय 2 इक्वल्स टू 24 बाय 2 इक्वल्स टू 12 हो गया। तो एक्स का निकल गया। तो ये मैथमेटिक्स का है, हमको केवल मैथमेटिक्स का मांग रखा है। फाइंड द मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स का अगर 12 हो गया, एक्स इक्वल्स टू व्हेन एक्स इक्वल टू 13, एक्स 13 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 13 माइनस 30 क्या होगा, 17 होगा। व्हेन एक्स इक्वल्स टू 12, 30 माइनस एक्स इक्वल टू 18 होगा। तो 13 17 भी हो सकता है, 12 18 भी होगा, दोनों का मार्क दोनों मिला के 30 होगा। ये भी 210 होगा, इसका करके हम देख सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो। ये क्या नंबर 5। नंबर 6, नंबर 6, नंबर सिक्स का देखा है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शटर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शटर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड, एक तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लीजिए एक तो रेक्टेंगुलर फील्ड, ये एक तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, फील्ड है। लेट द शटर साइज, शटर साइड इक्वल्स टू एक्स, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। तो उसमें क्या क्या दे रखा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑफ द फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शटर साइड। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल इक्वल टू एक्स प्लस 60 हो गया। ये अगर एक्स हो गया तो ये एक्स प्लस 60 हो गया। नेक्स्ट इसका लॉन्गर साइड क्या होगा, वो भी दे रखा है। द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड क्या होगा, एक्स प्लस 30 हो गया। तो ये तो राइट ट्राइंगल है, तो क्या होगा, एक्स प्लस 60, जो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू शॉर्टर साइड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर, एक्स प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स आराम से आप लोग निकल सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टू इंटू एक्स इंटू 60, 120 एक्स प्लस 60 का स्क्वायर 3600, दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, 260 एक्स प्लस 900। हाँ तो इसको ले आएंगे इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600 माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 900 इक्वल टू जीरो। माइनस टू स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो 120 एक्स माइनस 60 एक्स हो गया 60 एक्स, ये हो गया प्लस 2500 इक्वल टू जीरो। अच्छा इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2500 इक्वल टू जीरो। आप लोग अब से एक्स का आराम से निकाल सकते हैं, तो एक्स का हम निकालते हैं। एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस बी माइनस माइनस 60 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2500 बाय 2a, 2 इंटू 1 60 प्लस माइनस 3600 प्लस क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 रूट ऑफ 1 बाय 2, दिस इक्वल टू 60 प्लस माइनस 13600 13600 बाय टू,
जीरो माइनस 900 जीरो, सॉरी मैं गलत कर दिया, 2700 होगा, ये 2500 नहीं होगा, 2700 होगा। कैसे नहीं हो रहा देखते हैं, तो ये इतना नहीं होगा, 00 1080 प्लस हो जाएगा 10800 3600 1440 सॉरी, तो ये बन जाएगा दिस इक्वल टू 60 प्लस माइनस 120 बाय 2, तो x इक्वल टू 60 प्लस 120 बाय 2 दिस इक्वल टू 180 बाय 2 इक्वल टू 90 हो गया, 90 x का x इक्वल टू 60 माइनस 120 बाय 2 इक्वल टू माइनस 60 बाय 2 इक्वल टू माइनस 30, ये नहीं बन पाएगा। तो x इक्वल्स टू अगर 90 बन जाएगा तो x प्लस नेक्स्ट साइड क्या होगा, लंगर साइड क्या होगा, x प्लस 30 इक्वल्स टू 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120, तो 90 120 इसका आंसर निकल गया। तो इसी रूप से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 7 का क्या देखा है, नंबर 7 देखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो मान लीजिए दोनों नंबर x और y लेते हैं, लेट द नंबर्स, लेट इक्वल्स टू x एंड दो टू नंबर है, तो उसमें क्या देखा था, डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 180, एक तो एक्सरसाइज, एक तो बन गया इक्वेशन। दूसरे में क्या देखा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो इसमें कौन सा स्मॉलर है, ये तो स्मॉलर है ना, ये बड़ा होगा तब तो इसका स्क्वायर माइनस कर दिया होगा, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर y स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स दिस इक्वल्स टू 8x, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, वाई इसका जगह 8x लगा देंगे, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, एक्स निकालेंगे माइनस माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180 का रूट ओवर बाय 2 इंटू 1 दिस इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 64 प्लस 720 का रूट ओवर बाय 2 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 4 ये हो जाएगा 384 प्लस 2 4 हो जाएगा 8 इज 64 6 28 हो गया, 8 प्लस 28 प्लस माइनस 28 बाय 2 हो गया, तो उसका माइनस 8 माइनस 28 तो ये होगा नहीं, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, x इक्वल्स टू 8 प्लस 28 बाय 2 इक्वल्स टू 36 बाय 2 इक्वल्स टू 18, एक तो हो गया 18 हो गया, और दूसरा काम निकल सकते हैं। दूसरा का क्या होगा, दूसरा का करेंगे x इक्वल्स टू 8 माइनस 28 बाय 2 इक्वल्स टू माइनस 20 बाय 2 इक्वल्स टू माइनस 10, तो ये नंबर तो होगा नहीं,
नंबर दे रखा है, द डिफरेंस स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स दे रखा है, तो इसमें अगर 18 होगा तो उसमें क्या होगा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, एक्स निकल गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 8 × 18, 144 हो गया, वाई इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर रूट, दिस इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 हो जाएगा, 1 × 18 बनेगा और प्लस माइनस 12 बनेगा, अगर माइनस 10 ले तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 × −10 लेंगे तो −80 होगा, तो वाई नहीं निकल सकते हैं, −80 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकते, इसका निकलेगा नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, तो इसमें क्या होगा, 8 18 होगा इसका नंबर, और 1 तो प्लस माइनस 12 होगा। नेक्स्ट नंबर 8, नंबर 8 को जाएंगे, नंबर 8 का देखा, एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इसे यूनिफॉर्म स्पीड में जाएगा, इसको दे रखा है हमको यूनिफॉर्म स्पीड में ही जाएगा, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स आवर मोर, इट वुड हैव टेकन वन आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड को हम एक्स लेते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, 360 किलोमीटर बाय एक्स होगा, 360 बाय एक्स किलोमीटर होगा, इसमें क्या होगा, 360 किलोमीटर से यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, पहला टाइम हो गया, इफ स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसका 5 किलोमीटर आवर स्पीड अगर बढ़ जाएगा, अगर स्पीड इसको बढ़ा देगा तो क्या होगा, इसको टाइम थोड़ा कम लगेगा, 1 आवर लेस लगेगा, तो सेकेंड टाइम क्या होगा, 360 बाय x + 5, इसमें कम लगेगा, ये स्पीड बढ़ गया तो कम लगेगा इसमें, तो क्या होगा, ये टाइम माइनस ये टाइम, दिस इक्वल्स टू 1, 360 बाय x - 360 बाय x + 5, दिस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, x × x + 5 क्या होगा, ये 360 × x + 5 - 360x = 1, 360x + 5 + 5 = 30, 1800 - 360x / x² + 5x = 1, ये कट कट गया, तो क्या होगा, x² + 5x = 1800, तो क्या होगा, x² + 5x - 1800 दिस इक्वल टू 0, x = −p - 5 + −5² - 4 × 1 × 1800 - 1800 का रूट होगा बाय 2 × 1, दिस इक्वल टू −5 + −25 + 7200 / 2, दिस इक्वल टू −5 + −7225 / 2 का रूट आवर, दिस इक्वल्स टू −5 + −, होगा ये 85 / 2, ये बन गया, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, −5 + 85 / 2 = 80 / 2 = 40 km/h, क्या नेक्स्ट वाला माइनस होगा, इसको हम करने की कोई जरूरत नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर निकल गया। 9, 10, 11 और 3 नंबर है, नंबर 9, हम सारे नंबर को कवर करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे क्या होगा नंबर 9, तब क्या होगा हम कर सकते हैं। नंबर 9 के देखा है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3 9 3 by 8
आवर्स, 9 + 3 वाइड आवर्स, द टैप टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. फाइंड द टाइम्स इन व्हिच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. दो टो टैंक है, दो टो टैंक इसमें है, दो टो पाइप है, एक टो टैंक है, तो टू वाटर टैप्स. अगर दोनों अगर मिलेंगे तो ये 9 + 3 बाई 8 आवर्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर्स, द लार्जर टैप टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. फाइंड द टाइम्स इन व्हिच, मान लीजिए स्मॉलर टैप, द टाइम ऑफ स्मॉलर टैप इक्वल्स टू एक्स आवर. टाइम ऑफ स्मॉलर टैप इक्वल टू एक्स आवर, टाइम ऑफ लार्जर टैप इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 आवर, एक्स माइनस 10 आवर. सॉरी, स्मॉलर टैप में ज़्यादा टाइम कम, स्मॉलर टैप को जितना टाइम लगेगा, लार्जर टैप को थोड़ा सा 10 आवर कम टाइम लगेगा. इसमें दे रखा है द लार्जर टैप, द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप. स्मॉलर टैप को जितना लगेगा, लार्जर टैप को तो 10 आवर लेस लगेगा. तो उसमें क्या होगा, टू टैप्स फिल टुगेदर टैंक इज कितना आवर. तो उसमें दोनों अगर मिलेंगे तो कितना टाइम में इसको फिल करेंगे. तो पहले करते हैं स्मॉलर टैप एक्स आवर इक्वल्स टू वन टैप. वन आवर में कितना करेंगे, वन बाय एक्स टैप करेंगे, फिल करेंगे. लार्जर टैप क्या होगा, एक्स माइनस 10 आवर को क्या करेगा, वन टैप को फिल करेगा. वन आवर में कितना करेगा, वन बाय एक्स माइनस 10 टैप करेगा. दोनों वन आवर में कितने करेंगे, बोथ इन वन आवर इक्वल्स टू वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस 10 इतना फिल करेंगे. दिस इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 10 ये होगा, एक्स माइनस 10 प्लस एक्स होगा. दिस इक्वल्स टू टू एक्स माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स इतना ही फिल करेंगे वन आवर में. तो इतना फिल करेंगे वन आवर में, वन फिल करेंगे कितना होगा आवर में होगा, तो बोथ टैप फिल इक्वल्स टू कितना करेंगे, एक्स फील्स टू एक्स माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स इन वन आवर. वन करेंगे तो क्या होगा, इसको उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स बाय टू एक्स माइनस 10 आवर. लेकिन असली में कितना कहते हैं, 8 9 फुल 9 3 बाय 8 आवर्स कहते हैं. सो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स बाय 2x माइनस 10 इक्वल्स टू होल 9 3 बाय 8 होल 9 3 बाय 8 आवर्स. 3 बाय 8 आवर्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स बाय 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 75 बाय 8 आवर्स. क्या करेंगे इसको, 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल्स टू 150x माइनस 750 क्या होगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू जीरो. 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 जीरो. आप लोग एक्स निकाल सकते हैं, ये लोग आप लोग इसमें एक्स निकालोगे 25 और 15 होगा. इसको आप लोग अपने हिसाब से करना, ध्यान देके हो जाएगा. इसके बाद नंबर 10, नंबर 10 का देखा है,
एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बलांगीर ए बेंगलोर विदाउट टेकिंग टू कंसिडरेशन द टाइम दे टैप एट द इमीडिएट स्टेशन स्टॉप एट द इमीडिएट स्टेशन. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स. मान लीजिए क्या करेंगे पैसेंजर ट्रेन लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू एक्स स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू एक्स प्लस इलेवन हो जाएगा. पैसेंजर ट्रेन का एक्स होगा तो एक्सप्रेस ट्रेन का थोड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का क्या होगा इसमें एक्स प्लस इलेवन होगा. द एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन ट्रैवल 132 किलोमीटर्स बिटवीन तो क्या होगा 132 किलोमीटर जाएगा तो क्या होगा 132 का टाइम क्या एक्सप्रेस ट्रेन का क्या होगा टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन कुछ क्या होगा पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लगेगा 132 बाय एक्स आवर्स. टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू 132 बाय एक्स प्लस 11 तो उसमें पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगेगा ये कम टाइम लगेगा. इसमें क्या दे रखा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस एक्सप्रेस ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है ये 1 आवर लेस होगा. दिस टाइम माइनस दिस टाइम इक्वल्स टू 1 आवर 132 बाय एक्स प्लस 11 माइनस 132 बाय एक्स इक्वल्स टू 1 आप आगे निकाल सकते हैं आगे आप लोग खुद करोगे. अगर कुछ दिक्कत होगा तो ज़रूर हमारा जो YouTube चैनल है उसमें कमेंट कर दीजिएगा फिर हम आगे बता देंगे. नंबर 11 का देखते हैं लास्ट नंबर. सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इच 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इच 24 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स. मान लीजिए टू स्क्वायर का जो होगा हम एक्स वाई लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा 468 मीटर स्क्वायर. सेकेंडली क्या रखा है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स दो पेरीमीटर्स जो है पेरीमीटर क्या होगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इक्वल्स टू 24 मीटर्स इक्वल्स टू 24 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 बाय 4 इक्वल्स टू 6 हो गया. x इक्वल्स टू क्या होगा 6 प्लस वाई हो गया तो इसमें x के जगह में 6 प्लस वाई लगा देंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 468 हम आराम से y निकल सकते हैं. y निकलने के बाद फिर x निकलेगा x इक्वल्स 6 प्लस वाई आप लोग आराम से निकल पाओगे आराम से निकल सकते हैं. आप लोग देखोगे इसको करोगे खुद अपना प्रैक्टिस करोगे इतना नंबर हम कर चुके कितना नंबर करने के बाद आप लोग आराम से इसका हल निकल सकते हैं. इसका बारे में बाद में जो है थोड़ा कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जारी करेंगे. तब के लिए देखते रहिए टीवी प्रोडक्शन BGH. धन्यवाद.